बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। आज की बड़ी अपडेट बजट के बारे में, वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते पेश होने वाला, और इसके साथ एक और बड़ी खबर 15% डिस्पैरिट के लोन्स के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन और सबसे पहले खबरें जानने के लिए। चलते हैं आज की बड़ी खबर। कौमी असेंबली के बजट अजलास का शेड्यूल तय कर लिया गया। वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते पेश किया जाएगा। बजट सेशन 1 जून से शुरू होकर पूरा महीना जारी रहेगा। मीडिया ज़राए का कहना है कि बजट से कबल कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें पार्लिमानी अयाम पूरी किए जाएंगे। कौमी असेंबली का इजलास ईद के बाद 9 मई को बुलाया जाएगा। रवां पार्लिमानी साल का 8वां सेशन 8 दिन चलाने के बाद 16 मई को मुलतवी कर दिया जाएगा, जबकि रवां पार्लिमानी साल का आखिरी सेशन 25 जुलाई से 5 अगस्त तक होगा। बड़े फैसले होंगे जी। इस बजट में नई हुकूमत आई है, तनख्वाहों में स्केल रॉइस के हवाले से अभी पे एंड पेंशन कमीशन ने भी टाइम मांगा है और वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है और मई में वो भी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। और ये बजट ख़ास तौर पर इस हुकूमत के लिए सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बड़ा अहमियत का हमल है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि 15% डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ले चुका, वफाकी हुकूमत ले चुकी। अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो 15% DRA का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। आज एक बड़ी खबर बलूचिस्तान के हवाले से, मिट्स तैयार हो चुके हैं जी। सूबाई कैबिनेट की मंजूरी का मरहला बाकी है और उसके बाद मुलाजमीन किसी भी जो अफवाह पर कान ना धरें, ये बिल्कुल कन्फर्म है कि वहाँ पे इस पर बड़ा स्टिकली काम हो रहा है और आइंदा चंद दिनों के अंदर बड़ी खुशखबरी बलूचिस्तान के मुलाजमीन को मिलने वाली है। और अगर बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में कोई खबर नहीं है कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है 15% डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में। और इसके अलावा बात करेंगे अगर पंजाब में, तो पंजाब में भी क्योंकि ये पहले समरी पुटअप हो चुकी है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो आपने देखी भी है, स्पेशल अलाउंस के नाम से ये समरी वजीर आला के पास पहुंच चुकी। कैबिनेट की मंजूरी बाकी थी कि हालात ख़राब हो गए और हुकूमत तब्दील हो गई, और जिसकी वजह से अब भी लगता यही है कि आने वाले जो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर उसका भी फैसला मुतवक्के है और मुलाजमीन को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।